तो ये है सरलपारा जाने का मेन गेट। तो ये गेट काफ़ी बड़ा है और जहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू उल्टा पानी सरलपारा। हेलो दोस्तों, हम लोग अभी सरलपारा रोड पे हैं। जो ये रोड है ये काफ़ी मतलब ख़राब हो चुका है यहाँ पे। अभी इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे ये लोग। और ये जो रोड है ये आपका ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर्स का जो है ये इसका लेंथ है। बहुत ज़्यादा लंबा है ये रोड। और ये रोड आप ले सकते हो कोबराझार हाईवे से और आगे चलेंगे। आगे जाके आपको बाकी सारे अपडेट्स दिख रहे हैं। तो दोस्तों, जब आप इस रास्ते से जाओगे तब थोड़ा सा सावधानी से जाना, क्योंकि यहाँ पे हाथी कभी भी निकल सकता है और थोड़ा रिस्की हो जाता है फिर उस वक्त। और रास्ता तो वैसे ही ख़राब है। और इस रास्ते से जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारे बटरफ्लाइज देखने को मिलेंगे। बहुत वैरायटी, बहुत कलरफुल बटरफ्लाइज देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे बटरफ्लाइज हमने देखे हैं। तो आगे चलते रहते हैं और आपको जो है मैं अपडेट करते रहूँगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों को कुछ मैं एक अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे इतने सारे बटरफ्लाइज है, देखना आप, इतना मज़ा आ रहा है देखकर, दिखाता मैं आपको। तो दोस्तों, आपने देखा बटरफ्लाइज। इस रास्ते से जब भी जाओगे दोस्तों आपको काफ़ी सारे बटरफ्लाइज देखने को मिलेंगे। और रास्ते के दोनों तरफ आपको बहुत ही ज़्यादा जंगल ही जंगल मिलेगा। और जैसे ही आप जंगल क्रॉस कर लोगे दोस्तों, आप कुछ ऐसी जगह पे आ जाओगे जो आप देख रहे हो दोस्तों, कितना सुंदर है देख रहे हो आप। और आगे देख रहे हो वो पूरा पहाड़ है, एकदम बहुत ज़्यादा पहाड़ है। और वही है सरलपारा, हम वहीं पर जाएंगे। वहाँ पर एक रिवर भी है। तो आगे चलते हैं और आपको मैं जो है अपडेट देते रहूँगा। और साथ ही में दोस्तों, ऑन द वे में आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह मिलने वाली है, बहुत ही सीनिक ब्यूटी मिलने वाला है। तो कैमरा ज़रूर लेके जाइए और बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे। और वहाँ पर बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि सरलपारा पिकनिक स्पॉट, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ से राइट लेते ही दोस्तों आपको एक गेट मिलेगा, जहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ेगा। और टिकट की जो प्राइस है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको टिकट्स लेने हैं। तो दोस्तों, अगर आप टू व्हीलर लेकर आते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप फोर व्हीलर लेकर आते हो तो आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और कमर्शियल कार वगैरह लेकर आते हो, बड़े बड़े बसेस आती है, तो 300 रुपये। तो अभी हम लोगों ने टिकट ले लिया है और अभी हम लोग जो है अंदर आ चुके हैं। दोस्तों देख सकते हो कि क्या जगह है, एकदम जन्नत सा फील हो रहा है। और अभी हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हम अपना कार पार्क कर सकें और आराम से बैठ सकें। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और ये जगह तो यार क्या लग रहा है। हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं सरलपारा और ये जगह इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। इधर इधर आओ, ये देखो, इधर देखो, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे दोस्तों। ये जो रिवर आप देख रहे हो, इतना बढ़िया, इतना साफ पानी है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे नहाने वाले, ये वन ऑफ द बेस्ट पिकनिक स्पॉट है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आने के बाद। और पीछे पूरा पहाड़ है, आप देख रहे हो, पूरा पहाड़ी पहाड़ है। मैं ड्रोन शॉट लूँगा थोड़ी देर के बाद और फिर मैं दिखाऊँगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। और बाकी यहाँ पे खाने पीने का सामान आपको मिल जाएगा। वहाँ पे खाने पीने का सामान है, अगर आप लेके नहीं आते तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। और यहाँ पर हम लोग ये छतरी लगा रहे हैं ताकि आराम से जो है यहाँ पर हम लोग बैठ सकें। और हवा काफ़ी ज़्यादा है तो देखते हैं, ये यहाँ पे फिक्स कर देंगे और यहाँ पे हम लोग आराम से बैठेंगे। और यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों कि काफ़ी सारे लोग जो है बैठकर चिल कर रहे हैं। इतना ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। उधर भी है, सब बाइक वाइक लेकर आए हैं। और अगर आप फ्रेंड्स के साथ आओगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और टेंट वेंट लेकर आओगे तो और बहुत मज़ा आएगा। और उधर पहाड़ देखिए ना, टॉप में देखिए, पूरा क्लाउड्स पहाड़ के जो है टिप में इस तरीके से लगा हुआ ऐसा लग रहा है। और बारिश होने वाली थोड़ी देर के बाद, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है। इतना सुंदर जगह है,
मैं क्या बोलूँ दोस्तों, और पार्क करने का पूरा आपको फुल जगह मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको लोकल शॉप्स मिल जाएंगे, तो ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कितना हुआ? 200 ना आपके पास? बनाना पड़ेगा, रेट कैसे उसका? और यहाँ पे आप आके खा भी सकते हो। और यहाँ पे इन लोगों ने मीट को बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल करके इसको यहाँ से सुखाया है, और फिर जिसको भी चाहिए रहता है वो यहाँ से फ्राई करके देते हैं। और हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से ऑर्डर किया है खाने के लिए, जैसे मछली है आप देख रहे हो, और फिर कुछ कुछ ऑर्डर किया है, और इन लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर बनाया है और हमें दिया है। और अभी हम लोग जो है थोड़ी सी स्नैक्स खाने की जो है तैयारी कर रहे हैं। की खाया ऐसा? हाँ, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अभी हम लोग खाने वाले हैं। यहाँ पे अमरूद हम लोगों ने काट लिया है, थोड़ा सा हमारे पास मीट भी है, और हमारे पास यहाँ पे मछली फ्राई भी है जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये सब हम लोग थोड़ा सा खाएंगे, फिर लंच करेंगे और फिर नहाएंगे। और ये जगह आप देख रहे हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों। देखो यहाँ पे स्टोन्स भी है, आराम से जो है आप यहाँ पे बैठ कर चिल मार सकते हो। और वहाँ पर आप देख रहे हो दूर पे काफ़ी सारे टेंट्स भी है, जो ऐसा सुना है कि मैंने वो दो दिन से यहीं पे रुक रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं आपको एक बार वाइड एंगल व्यू में भी दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं। और जैसे कि पार्किंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पार्किंग करने की जगह है। और ये लोकेशन आप देख सकते हो दोस्तों, और ये क्लाइमेट देख सकते हो आप, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, तो मुझे ड्रोन एक्चुअली पे यहाँ पर चलाना है, लेकिन मैं वही सोचा कि हवा बहुत ज़्यादा है। बट ठीक है, अभी हम लोग जो है ड्रोन का कुछ शॉट्स लेंगे। अरे दोस्तों, हम लोगों ने मस्त खाना वाना खा लिया और नहा भी लिया, और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और क्लाइमेट एकदम बढ़िया हो चुका है। जैसे आप देख ही रहे हो, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा बढ़िया हो चुका है। और अभी हम थोड़ी देर और रुकेंगे, उसके बाद जो है हम वापस घर चले जाएंगे। हेलो दोस्तों, तो हम लोग अभी जो है ये सरलपारा से निकल रहे हैं। हमारा जो ये सरलपारा का सफ़र था वो बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोग को, और यहाँ पे हम लोगों ने खाना वाना खाया, नहाया, और अभी बारिश का पूरा मौसम हो चुका है, पूरा क्लाउडी हो चुका है, अभी बारिश आने ही वाली है। तो अभी हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से, और पहुँचते पहुँचते हम लोग कम से कम 2-3 घंटा तो लगेगा, क्योंकि अभी शाम का समय है और रात हो जाएगा जाते जाते, और आपको पता है कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ऑन द वे में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आज का सफ़र ये भी ख़त्म होता है। हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग को भी आना है, अगर आप लोग को जानना है कि किस तरीके से आना है, तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन पर आप लिख कर मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए बाय दोस्तों, कुछ नए वीडियोज़ लेकर जल्दी वापस आता हूँ। बाय, ठीक है। ये सब हमें घर गई आसो और बरखुण स्टार्ट हो गल।
बहुत जोरे बरखुण हो।